वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारी बिल्लो हमारी जान। हमारी बिल्लो के ऊपर हम करने वाले हैं आज कुछ नया परफॉर्मेंस अपग्रेड, क्योंकि इससे पहले के परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के अंदर हमने करवा दिया इसका एग्जॉस्ट चेंज। उसके बाद हमें गाड़ी का कह सकते हो आप, हाँ साउंड बढ़ गया हमारी गाड़ी का, मजा आता है चलाने में थोड़ा सा। इसके बाद बारी आती है दूसरे परफॉर्मेंस अपग्रेड के ऊपर, हम करने वाले अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग को इंक्रीज या फिर ब्रेकिंग को इनहेंस या फिर कह सकते हो ब्रेकिंग को बेटर बनाने के लिए हम इसके अंदर लगाएंगे परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स। वो परफॉर्मेंस ब्रेक पैड कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे मिले हैं या फिर कितने के आए हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा कि क्या आपको इस काम को कराना चाहिए या नहीं। मैंने तो कर लिया है, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है, आप जौन सा ब्रांड चाहो वो ले सकते हो, लेकिन एनीवे जो मैंने परचेस किया है मैं उसी ब्रांड के बारे में आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। मैं इन ब्रेक पैड को कम से कम एक महीने यूज करूंगा और एक महीने यूज करने के बाद इस वीडियो को अपलोड करूंगा, ताकि आप एक्चुअली में देख समझ और खुद डिसाइड करके मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ले सको कि क्या आपको भी ये अपग्रेड कराना कितना जरूरी है कितना नहीं। अनबॉक्स कर देता हूं उन ब्रेक पैड्स को। उन ब्रेक पैड्स को अनबॉक्स करने से पहले एक चीज बता दूं, जो कंपनी के OEM हमारे स्टॉक ब्रेक्स पैड आते हैं उसके अंदर कोई इशू नहीं है, जो उसे यूज कर रहा है यूज करते रहो। लेकिन जब आप जाते हो रेसिंग परफॉर्मेंस या फिर अपनी गाड़ी को बेहतर बनाने अच्छी ब्रेकिंग की तरफ, तो आप जरूर जा सकते हो, जरूर सोच सकते हो इन चीजों की तरफ। ये कंपनी के ब्रेक पैड से थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन anyway, जो भी आते हैं बेहतर आते हैं। करते अनबॉक्स, आइए फटाफट। दोस्तों ये रहे वो ब्रेक पैड्स, अब ये कौन से हैं ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। वैसे जो समझदार हैं वो तो समझ ही गए होंगे मैंने ये हुडी किस लिए पहनी है। अब बाय द वे ये है वो ब्रेक पैड्स, मैंने कहां से मंगवाए, मैंने मंगवाए बिहानी कस्टम से, जयपुर जगतपुर से। आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर भी आपको फोन नंबर फ्लैश होता है वो मिलेगा ही, वो मैं इसलिए दे देता हूं यार, ऑब्वियसली अगर मैंने कहीं से मंगवाए हैं सो इवन आई वांट कि मैं भी आप लोगों को उस चीज की अवेयरनेस दूं। ये इसलिए नहीं होता कि मैं उस बिजनेस को प्रमोट करूं, ये इसलिए होता है क्योंकि आप ही लोग बार 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 फिर पूछते हो मुझसे कि भाई इसको कहां से ऑर्डर करना है, इसको कैसे लेना है। एंड एक्चुअली जब मैंने ये चीजें डाली, यानी मैंने वीडियो पे वो फ्लैश होते हुए जो दिखाए, उसके बाद उनका रिव्यू जरूर आया, लेकिन उनकी इंक्वायरीज नहीं है कि कहां से ऑर्डर करें कैसे करें। डिस्क्रिप्शन में भी इवन आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप कर सकते हो। इसको करते फटाफट अनबॉक्स, हम करेंगे इसे अपने हाथ के अंदर अनबॉक्स, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को बहुत प्यार से नाज से पाला यार, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे यार, मतलब कुछ भी कटर कहाँ रहे। इसके लिए हम यूज करेंगे बिल्कुल हमारा बढ़िया नया वाला कटर, ये कटर हम लाए थे SDI नाइफ। कितने का लाए थे साहिल? 200 का लाए थे, 200 रुपए का स्पेशल कटर लाए थे हम चीजों को काटने के लिए, बताओ। तो इसके अंदर ये दो ब्लेड तो ऑलरेडी है, 5 ब्लेड तक रख सकते हो आप, है ना, ऐसा कुछ बता रहा था वो नवाब साहब वो। चलो इसको बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बढ़िया है ये, आपको ऑर्डर करना हो तो पता नहीं, हम तो ऑफलाइन लाए थे। आज हम इसे कमो के ऊपर रख के करेंगे अनबॉक्स, बिल्लो के ऊपर नहीं, कमो हमारी काम आती है और आपने बहुत दिनों से इसे देखी नहीं होगी। वैसे मैंने इसे यहाँ से स्मोक कर दिया था, ये कार्बन फाइबर, ये स्मोक कर दिया था, पूरे नए नए शीशे लगा दिए थे, शीशे मैंडेटरी हो गए। वैसे दिल्ली वालों के लिए तो बताना चाहूँगा, तो रो पीटो मत, ये वाले लगा लेना, किसी को स्टाइलिश चाहिए तो ये KTM निब्बा वाले। तो बस ठीक है, बाकी मैं अभी से अनबॉक्स कर रहा हूँ बढ़िया वाला कटर। आज हाथ में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ मिस कर रहा था। आपको पता है मेरी फेवरेट चीज़ क्या है? अनबॉक्सिंग। यप, अब जहाँ से मंगवाए दोस्तों ये रहा वहाँ का स्टिकर, एक नहीं दो आए हैं मेरे पास, एक से भले दो। अगर आपके पास वाइट गाड़ी हो तो आप ब्लैक लगाओ, ब्लैक गाड़ी तो वाइट लगाओ, जो आप चाहो वो लगा सकते हो। ये रहे हमारे दोस्तों वो रेसिंग ब्रेक पैड्स, अब ये किसके हैं मैं आपको बता देता हूँ, आ जाओ। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर स्टिकर्स। आपका दिल से शुक्रिया सर, आपने ये स्टिकर भेजे, वो लोग मुझे बहुत पसंद है जो अपने किसी भी ब्रांड के स्टिकर्स भेजते हैं। सो अगर आप भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये ब्रेक पैड्स हैं हमारे सुप्रीम के, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है हुडी मैंने क्यों पहनी हुई थी, दरअसल स्पेसिफिकली हमारी स्विफ्ट के लिए आए हैं, जो हमें हमारी स्विफ्ट के अंदर ही लगाने हैं। और इन्हें चलाकर मुझे नाना करते हुए भी 200 किलोमीटर के आसपास तो मेरे ब्रेक्स रमा होंगे। इधर इनकी क्वालिटी, आप क्वालिटी छोड़ो, बीरोल देखो आ जाओ। दोस्तों तो ये रहे ब्रेक पैड्स हमारे सुप्रीम के, ये रेसिंग ब्रेक पैड्स हैं। इसके साथ ही और भी दूसरे दूसरे ब्रांड्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली चूज किया इनको क्योंकि आज तक अभी तक इन ब्रेक पैड्स का रिव्यू किसी ने नहीं करा है, और दिस इज व्हाट आई वांट कि मैं कुछ यूनिक लगाऊं, कुछ डिफरेंट लगाऊं और आप लोगों को उसका रिव्यू भी शेयर करूं। एनीवे हाउएवर ये भी कह सकते हो आप, ये मुझे अच्छे डिस्काउंट पे मिल गए तो मैंने इसलिए भी ले लिया। इन्हें मैं फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर कर देता हूं इंस्टॉल। क्या आपको हमेशा स्टॉक पे ही रुके रहना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए नहीं, इवन इनके नहीं किसी दूसरे ब्रेक पैड्स के बारे में सोचना चाहिए नहीं, फटाफट चढ़ा दो गाड़ी जैक पे, खोलता हूं फ्रंट के दोनों टायर, कर तो ब्रेक पैड चेंज, फिर मिलता हूं मैं आपसे, तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय करो।
हम चढ़ा रहे हैं इसका टायर वापस। मेरे औजार गए टूट, पता नहीं वो किस स्टील के थे, किस मिट्टी के बने थे। अब मैं इन्हें लगा रहा हूँ वापसी, फायदा नहीं है इसमें सर मार के। मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। आई नीड माई हैंडी मैन, माई ब्रो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। Whenever doubt is out, हम आते जॉनी भाई के पास। सबको हाय हेलो तो बोल दो, बड़े दिन बाद दिख रहे हो। चार वर्कर आ रहे हैं। मोटे भाई कैसे हो? तो भाई अब चेंज कर रहे हैं, हमारा तो हो गया औजार टूट टाट के, पता है? प्रोफेशनल वर्क, ये प्रोफेशनल एकदम। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऊपर वाला नहीं चाहता, ऊपर वाला चाहता है गाड़ी भारी जाए। दोस्तों सुबह की होगी शाम, कर दी हमने ब्रेक पैड इंस्टॉल। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों के बाद, बताता हूँ मैं कि कैसे लगे हैं ये। शुक्रिया मोटे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्हें फिट करने के लिए, हमारे तो जो टूट गए भाई, क्या करें। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे करीब करीब 10 दिनों के बाद। साथी दोस्तों मैं आपको बूढ़मों के बारे में बताना चाहूंगा, चाहे आपके पास सेंट्रो हो या जैगुआर, आप अपनी गाड़ी का कोई भी पार्ट बहुत इजीली तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप जानते हो कि आज से पीछे की मेरी वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो बूढ़मों से मंगवाए थे, यूज करे थे, अपनी गाड़ी के अंदर लगाए थे। इवन अगर मेरी गाड़ी की बात करूँ, मेरी गाड़ी की जो शीशे हैं, चाहे उसकी हेडलाइटों की बात करूँ, और भी डिफरेंट पार्ट थे, इवन सस्पेंशन की भी बात करूँ, मैंने बहुत सारे पार्ट अपनी गाड़ी के मंगवाए थे, छोटे बड़े सारे पार्ट। इवन अभी भी मैं आज भी बूढ़मों से ऑर्डर करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। ऑन एन एवरेज मेरे 2 से 3 दिन के अंदर पार्ट मेरे घर पर आ जाते हैं। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, अगर आपको पार्ट चाहिए हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट पर जाना है bootmo.com, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, जाकर खरीद सकते हैं वहां से। इवन अगर आपको थोड़ी सी रिलायबिलिटी भी चाहिए हो, तो आप एंड्रॉइड या फिर अपने iOS डिवाइस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं इंस्टॉल। पार्ट की अवेलेबिलिटी से लेकर ऑफर डिस्काउंट तक सब कुछ आपको बूटमो के ऊपर ही मिल जाता है। कोई भी किसी भी तरीके का रिफंड या फिर कोई भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हो, तो वो आपको बूटमो के पेज पर ही मिल जाता है। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि बूटमो को कॉन्टेक्ट कैसे करना है, आप ईमेल या फिर अपने ऑर्डर पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट इंक्वायरी दे सकते हैं। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर मुझे रिटर्न या फिर कैंसिल करना हो तो वो कैसे कर सकता हूं। दोस्तों बूटमो से खरीदा हुआ कोई भी पार्ट आपको 10 दिन के शॉर्ट रिटर्न के साथ मिलता है। आप पार्ट घर आएगा, चेक करिए, खोलिए, देखिए, समझ आता है ठीक है, नहीं आता तो आप पार्ट को वापसी कर सकते हैं एक रिटर्न रिक्वेस्ट देकर। बंदा आएगा आपके घर से पार्ट लेकर चला जाएगा और आपका पार्ट वापसी इन्वेंटरी में जाएगा, आपका पैसा वापसी आपके जेब में आ जाएगा, यानी आपके अकाउंट में आ जाएगा। इवन अगर आपको किसी और तरीका कोई भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो, तो बूटमो के पेजेस पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, और कोई अदर इंक्वायरी हो तो आप उन्हें ईमेल भी मार कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट के रिगार्डिंग। बूटमो से खरीदे हुए हर एक पार्ट का आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, यानी GST वाला, यानी आप अपनी देश की तरक्की के अंदर भी हाथ दे रहे हो। इसी के साथ अगर आपको पार्ट समझ नहीं आए, तो आप एक सिंपल एक रिटर्न रिक्वेस्ट देकर अपने पार्ट को वापसी भेज सकते हो, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। मैंने भी मंगवाया है, मेरी पीछे की काफी सारी वीडियोस के अंदर आपने देखा भी होगा। बस यही कुछ था जो मेरे को आपको बताना था। पार्ट ऑर्डर करना चाहता हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ मैंने मंगवाए हैं, और मैंने इवन मोर देन 75-80,000 रुपीज से ज्यादा के पार्ट्स अपने बूढ़ों से मंगवा रखे हैं। आज तक मुझे सोफार कोई इशू नहीं है, जो पार्ट मैंने जैसा मंगवाया मुझे वैसा ही मिला है। आपकी गाड़ी का छोटे से छोटा पार्ट भी खराब है तो आप जाकर एड टू कार्ट कर सकते हो, जब भी आपके पास पैसे आए तब भी आप परचेस कर सकते हो उस पार्ट को। चाहे सर्विस से रिलेटेड पार्ट चाहिए हो, चाहे गाड़ी की बड़ी से बड़ी छत चाहिए हो, आपको सब कुछ बूढ़ों में मिल जाएगा। तो जाओ यार शॉप करो। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताना था कि जो मेरे सिरामिक पैड्स थे, यानी ब्रेक पैड्स थे, परफॉर्मेंस ब्रेक पैड, उनका रिस्पांस कैसा है। मेरी गाड़ी के अंदर ABS नहीं है। एनीवे अगर मैं बात करूं, जब मैं अपनी गाड़ी को 70-80 क्रॉस कर तब ब्रेक करता हूं, तो मेरी गाड़ी बहुत इजी तरीके से रुक जाती है। मैंने और अलग अलग गाड़ियां भी चलाई है, अलग अलग गाड़ियों की ब्रेकिंग भी देखी है, सच एज i20, वैगनर, सेंट्रो और हमारी ये बिल्लो भी, दूसरी गाड़ियां भी मैंने चलाई, उनकी ब्रेकिंग भी देखी है। मैं बताऊं, जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी, यानी जब से इसके अंदर जो ब्रेक पैड्स लगे थे, उन ब्रेक पैड्स को और इन ब्रेक पैड्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। जब मैं 70-80 के ऊपर अगर ब्रेकिंग लेता हूं, यानी कभी हाई स्पीड पर ब्रेकिंग लेता हूं, सच एज मैं हाईवे पर चल रहा होता हूं, तो मुझे एक बहुत बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है ब्रेक लेते वक्त। मेरी गाड़ी कभी स्लिप नहीं करती, मेरी गाड़ी के जो ब्रेक्स है वो कभी फंसते नहीं है। अब क्योंकि गाड़ी को भगाना जरूरी, तो उसे गाड़ी को रोकने के लिए भी उसी हिसाब के कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे से अच्छे टूल्स है लेकिन आपको उसका यूज नहीं पता, तो मैं यही कहूंगा कि आप बेकार अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो। वो लोग जो ऑब्वियसली चाहते हैं अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग्स को इम्प्रूव करना, वो ऑब्वियसली इसकी तरफ जा सकते हो। मैं जानता हूं दूसरे परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स भी आते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप उनकी तरफ जाते हो, वो महंगे हैं कंपैरेटिवली इसके। इन ब्रेक पैड्स की लाइफ ज्यादा है कंपैरेटिवली
कंपनी के जो स्टॉक हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं उनसे। ये जो हमारे ब्रेक पैड है दिखने में भी अच्छे लगते हैं, यानी ऑलरेडी इनके ऊपर रेड कलर का कलर करा हुआ आता है, ये कलर उतरता नहीं है, वो स्प्रे पेंट वाला कलर नहीं है। साथ ही में सिरामिक ब्रेक पैड्स है तो इनकी ब्रेकिंग इंप्रूव्ड है और ये घिसते कम है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक फायदे का सौदा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कुछ भी खरीद सकते हैं विभ्यानी कस्टम से, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर चेक जरूर कर लेना अगर आपको कैसा भी कोई भी अपनी गाड़ी के परफॉर्मेंस या इंप्रूवमेंट से रिलेटेड पार्ट चाहिए हो तो। अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग ब्रेक पैड्स आते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारी मारुति की गाड़ियां होती है उनके अंदर एक ही टाइप के हमारे ब्रेक पैड्स लगते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको बहुत इजी या किफायती दामों से 1100 की स्टार्टिंग से कह सकता हूं ब्रेक पैड्स मिलने लग जाएंगे, मारुति की गाड़ी का बता रहा हूं। कंपनी के जो ब्रेक पैड्स होते हैं हमारे 800-900 के आते हैं। जब कंपनी के ब्रेक पैड्स से आप कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ बेटर चाहते हैं, अच्छी ब्रेकिंग चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जरूर चाह सकते हैं इसकी तरफ। ये ब्रेक पैड कंपनी ब्रेक पैड से थोड़े से महंगे हैं। अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है कि अलग अलग ब्रेक पैडों के रेट और ज्यादा हाई भी हों लो भी हों। मेरी गाड़ी की तो ऑब्वियसली बताऊं, मैं इसे यूज करते करते आज मेरे कम से कम 20 दिन के आसपास हो चुके, ऑलमोस्ट मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा अपनी गाड़ी चलाने के बाद आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। मेरी ब्रेकिंग ऑब्वियसली इम्प्रूव है, मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है रोड पर ब्रेक लेते वक्त। लेकिन पहले जब मैं अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग लेता तो बहुत ज्यादा हार्ड थे, या फिर कह सकते हो मेरी गाड़ी के ब्रेक लगते नहीं थे। अब मेरी गाड़ी के ब्रेक इंप्रूव हुए हैं तो मुझे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा ब्रेक लेने में, तो आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं इस चीज की तरफ अगर आप भी चाहते तो। कुछ भी चाहिए हो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पार्ट के लिए विभ्यानी कस्टम्स, सब कुछ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। परचेज करना हो परचेज लिंक से लेके आप उनको कॉन्टेक्ट कर भी खरीद सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, करता हूं इस वीडियो कहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।